अभी बाबा तुम्हारा एहसान नहीं होगा तो किसका होगा? मगर क्या करें, अभी मजबूर हैं हम भी, इसलिए अभी फौरन नहीं भेज सकते पैसे। थोड़ा सब्र करो। अभी बाबा तुमको पता है शाजी को कितनी मुश्किल से हमने बाहर भेजा, अभी उसका भी तो परस बंद है, कुछ भेजे वो क्यों नहीं भेजता तुमको पैसे? पल वशव पहले जैसा नहीं रहे, बहुत बदल गया। शहर का हवा लग गया इसको, अब इतनी आसानी से पैसे नहीं देता है। अभी बाबा बार बार तुम मशवरा नहीं दिया करो, अभी पहले भी तुम्हारे मशवरे पे हमने सख्ती किया था, उखड़ गया था। अभी ज्यादा सख्ती करेगा तो फिर जिद पे चढ़ जाएगा। अभी तुमको नहीं पता है बाबा, पहले हमारा बैंक अकाउंट साथ था, अभी उसने बैंक अकाउंट भी अलग कर दिया, ऊपर से बैंक वालों को भी फोन कर दिया। अभी वो अपनी राजी खुशी से पैसा देगा तो ठीक है, नहीं तो हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो ट्रैक्टर करता है। अभी बाबा ज्यादा सख्ती करेगा तो उसका नतीजा फिर यही है, आखिर में वो बोल देगा हम काम नहीं करते। अभी ऐसा नहीं भड़काओ बाबा, नहीं तो गुस्सा आ गया तो कत्ल कर देगा। इधर शहर में कत्ल करना इतना आसान नहीं है, शहर में कत्ल करेगा सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। दस दिन इसकी जिंदगी का बाकी है, इससे जितना खिदमत ले सकते ले लो, मगर एक बात का ख्याल रहे, वो गुलमकई, अगर इस बार ये औरत यहां से दोबारा भागी तो खुदा कसम मैं इधर इधर इसके साथ तुमको भी गोली मारेगा। अभी कहीं नहीं भागेगा क्योंकि भगाने वाला तो मर कब गया है ना, इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि खुद से अपनी जंजीर तोड़ के घर से भाग जाए। दुश्मन को इतना कमजोर मत समझो गुलमकई, मैं तो अपना काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता है, यह ना हो कि तुम इधर घोड़ा बेचकर सो जाओ, होशियार रहो, ये मैं तुमको बोलता है। अब हमको वो वाला नींद नहीं आता है, डर लगा रहता है हमको, बस थोड़ी सी भी आंख लगती है ना तो बाहर आके इसको देखना पड़ता है बार 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 के ये कहीं भाग ना जाए। मुसीबत तो ये है कि तुम घर का काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकता है, और ये जब काम करने के लिए बाहर जाएगा तो इसके ऊपर हमको पहरा देना पड़ेगा। और अगर इसका बाप आ गया तो? नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों आएगा, वो तो रातों रात इस गाँव से ही गायब हो गया, उधर पैसले में भी नहीं था। अच्छा अच्छा हुआ वो चला गया, लेकिन गया कहाँ? वो गुलमकई, तुम हमारा दिमाग क्यों खराब करता है, हमें उससे क्या गरज है किधर गया, वो दोजख में जाए, मर जाए, कल उसका खबर आ जाएगा खुदकशी कर लिया। बड़ा देर किया उसने खुदकशी करने में, उसको तो उसी दिन डूब के मर जाना चाहिए था जब उसको मालूम हुआ कि उसकी बेटी घर से भाग गई। चलो छोड़ इन बातों को, जाओ उधर उसका पांव में थाला लगाओ, चलो चलो जल्दी करो। अभी लगा दे।
ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ हमारा हाथ। तेरा इतना मजाल हो गया कि हमारे सामने टक्कर लेने खड़ा हो गया? इतना हिम्मत पैदा हो गया तुम्हारे अंदर? जावेद लियाकत को तुमने साफ इनकार कर दिया। हाँ, नहीं करेगा हमारा, क्योंकि हमको नहीं करना। तुमको जो करना वो कर लो। हम तुम्हारे साथ वो करेगा जिसका तूने ख्वाब में भी नहीं सोचा। छोड़ो, मैं इतना खूबसूरत चेहरे पर जो तुझे नाज है ना, इसको ऐसा बिगाड़ेगा कि हर आदमी देखकर उस पे खौफ खाएगा। वैसे भी तो तुम हमको नोच नोच के खा ही रहा है ना। बकवास मत करो, खामोशी से तैयार हो और काम पर जा। नहीं जाना। बात समझने का कोशिश करो अकलमंद लड़की, तो जावेद लियाकत वो पुलिस बुलाकर उठवा लेगा तुमको। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पुलिस हमको नहीं, तुमको आके उठा के लेके जाएगा, क्योंकि तुमने हमारा झूठा दस्तखत किया है। तुम तो धमकी देता, हमको धमकी देता, कुछ नहीं कर सकता है तुम। जिसके ऊपर तुम इतना करता सारा बाजी, आज वो भी तुम्हारा शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। कौन बचाने आएगा तुमको, बताओ कौन बचाने आएगा? अल्लाह मदद करेगा हमारा। अल्लाह भी नाफरमान औरतों का मदद नहीं करता है। खुदा का लानत होता है ऐसी औरतों पर। हमको नहीं पता क्या सही है क्या गलत, मगर हम वो बिल्कुल नहीं करेगा जो तुम कहेगा। तुमने भी हमारा मोहब्बत देखा है, हमारा गुस्सा और नफरत नहीं देखा है, मगर अब देखेगा। तूने भी हमारा मेहनत में बहुत ऐशी किया और अपने माँ बाप का घर भरता है। अब जाकर ड्राइविंग कर, हम भी देखते तू कैसी ऐशी करता है। ऐसे बात नहीं करो, समझने का कोशिश करो, ऐसे बात नहीं करो, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर निशान आ जाएगा। जाओ, तैयार हो जाओ और काम पे जाओ। देखो, हम तुमको खामा खामारा दिमाग करें। जाओ, तैयार हो जाओ। तुमको समझ नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं? तुम जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ काम पर।